हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्मा आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास एम्पलीफायर आया रिपेयर होने के लिए, तो मैं इसमें दोस्तों आपको प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या आई है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों कुछ भी चीज़ आए आपको स्विच बोर्ड में चेक करनी है। अगर ज़्यादा वाट के तो आप 200 वाट का वहाँ पर बल्ब लगा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो सिर्फ इसमें लाइट जल रही है, जो कि इसमें दोस्तों डिस्प्ले नहीं आई है, ठीक है? और जो लाइट भी जल रही है वो भी बहुत मंदी जल रही है। तो दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है जो बहुत धीमे लाइट जल रही है? तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो इसके सेलेक्टर रहते हैं, ये हमने यहाँ पर ऑन ऑफ करके भी देख लिया है, यानी कि ये जो USB वाला रहता है उसमें मैंने दोस्तों ऑन ऑफ करके भी यहाँ पर देख लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों फिर भी नहीं चला है। अब हमें दोस्तों देखना होगा कि क्यों नहीं चल रहा है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तब भी अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं अभी पहले से खोल लेता हूँ और फिर आपको वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ कि इसे कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है? तो एम्पलीफायर तो हमारे पास बहुत आ चुके हैं रिपेयर होने के लिए। किसी की वन साइड ख़राब हो जाती है, किसी की टू साइड। तो मैंने कई बार आपको इसमें दिखा भी रखा है कि कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें बोर्ड को खोल लेना है, और फिर बोर्ड को खोलने के बाद दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के वायर रहते हैं उन्हें यहाँ से हमें हटा लेना है, ठीक है? अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसे खोलने के बाद। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे एक बार इसे निकाल लिए हैं दो तीनों वायर को, और तीनों वायर को निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, तीनों को आपस में टच करके देखना है। पहले सेट को ऑन करना है यहाँ पर, ठीक है? मैंने यहाँ पर प्लग लगा दिया। अब हमने यहाँ पर दोस्तों सेट कर दिया है, यानी कि हमने इसे यहाँ पर कर दिया है इसे चालू। अब दोस्तों हमें इसे चेक करना है। अब मैं वो कैसे चेक करूँगा अभी मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करना है, या जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे चेक करना है। तो जीरो वाले से चेक करना है, यहाँ पर नहीं चल रहा है। दूसरे वाले में चेक करना है, दूसरे वाले में भी नहीं चल रहा है, यानी कि इसका दोस्तों जीरो वाला जो वायर है वो हमारा दोस्तों ख़राब है। अब हमें मल्टीमीटर से चेक करना है। मल्टीमीटर से कैसे, यहाँ पर 200 वोल्टेज पर AC वाले पर लगाना है आपको, और फिर चेक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसे लगा लिया है मल्टीमीटर को, जीरो से यानी कि जो भी इसमें वोल्टेज है उसे चेक करना है। 16-16 है इसमें, आप देख सकते हो दूसरे वाले पे भी ऐसे तो आएगी, पर फिलहाल दोस्तों वैसे नहीं दिखा रहा, जैसे स्पार्किंग होती है बल्ब जलता है, ठीक है? सीरीज वाला वो नहीं जल रहा है। अब हमें दोस्तों इसे क्या चेक करना है अभी मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ इसे कैसे कैसे रिपेयर करना है हमें। तो हमें सबसे पहले इसे खोलना होगा, जो यानी कि ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है इसे। अभी मैं ट्रांसफार्मर को खोल के आपको दिखा देता हूँ फाइनली। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि हमारे दोस्तों यहाँ पर पहले कोई से भी उसमें ले लीजिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से चलता है, ठीक है? इसकी वोल्टेज जो है 16-0-16 है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, अब मैं फिलहाल दोस्तों इसे पहले खोल के अभी फाइनली दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों एक पेच लगा हुआ है, इसे खोलता हूँ और फिर आपको फाइनली इसे रिपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है। मैंने पहले 44-40 एम्पलीफायर में दोस्तों ये फॉल्ट यहाँ पर ये वाला फॉल्ट आया था, पर वो बिल्कुल ही डेड था, पर ये हल्का सा चल रहा है, ठीक है? वो बिल्कुल फुल डेड आया था। तो मैं दोस्तों आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और 5200 की जगह यहाँ पर 3055 भी आपके यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि 3055 वाला इसमें बोर्ड लगा रखा है, बस इसमें ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं ये 5200 वाले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तीन वायर हैं। तो तीन वायर दोस्तों, एक तो जीरो वाला होंगे और दो वोल्टेज वाले होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें यहाँ से पहले टेप हटा लेते हैं, जो कि हमारे दोस्तों एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर हमने दोस्तों टेप हटा लिया, और दूसरे वाले वायर की भी हटा के अभी फाइनली दिखाने वाले हैं यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फाइनली एक बार दिखा देता हूँ इसे, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों इसमें टेप लगी हुई है, जो कि हम दोस्तों इसे हटा रहे हैं अभी फ़िलहाल। और इसे हटाने के बाद दोस्तों आपको मैं बिल्कुल जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, यानी कि दोनों तीनों वायर टच करके ऐसी मैं दोस्तों एंड में दिखाऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपको ये लगे कि हमारा दोस्तों बिल्कुल फॉल्ट क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो ऐसे मैं इस वाले को हटा लेता हूँ टेप को, और फाइनली अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फॉल्ट कैसा आप यहाँ पर पहचान सकते हो, ठीक है? फॉल्ट तो वैसे पहचान लिया, बस आपको यहाँ पर सोल्व करना है। अब तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर इसके वायर जो है यहाँ से हमें हटा लेने हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो बिल्कुल हमने यहाँ पर हटा लिया वायर को, तीनों वायर हट चुके हैं। अब हमें दोस्तों यहाँ पर 12 से यानी कि जो इसमें वोल्टेज है उसे देखना है, और जीरो वाले देखने हैं, ठीक है दोस्तों? अगर ऐसे रिपेयर होने के लिए आता है
तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर ऐसी आता है तो इसका जो पेपर है अंदर की साइड का उसे भी यहाँ पर हटा सकते हो, क्योंकि पहले भी रिपेयर हो रखा है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जीरो से तो आ ही रही थी और यहाँ पर हमने दोस्तों चेक किया तो यहाँ पर दोस्तों जीरो से तो आ रही है, पर फिलहाल दोस्तों हम जैसे अब जीरो से टच कर रहे हैं तो वो भी हमारे दोस्तों वोल्टेज प्रॉपर आ चुकी है, यानी कि जो वायर एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे वो हमारे दोस्तों ख़राब थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों इसका फॉल्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी ऐसा आ जाता है कि नया ट्रांसफार्मर भी दोस्तों जीरो वाला वायर ख़राब हो जाता है, वो क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो इस वजह से। तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरे वायर लिए हैं, यानी कि जो वोल्टेज वाले हैं वो हमने दोस्तों रेड लिए हैं और जो जीरो वाला वो हमने लिया है ब्लैक। तो अब मैं दोस्तों आपको एक बार चला के इसे फाइनली दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहले सोल्व, यहाँ पर हमने फॉल्ट ढूंढा फिर हमने इसे सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनली दिखाऊंगा कि यहाँ पर चला है या नहीं चला है। ठीक है, आपके सामने मैंने पहले दिखाया था, तो अब मैं दोस्तों दूसरी बार भी अब मैं दिखाऊंगा आपको कार्ड यहाँ पर, क्योंकि पहले नहीं चल रहा था, अब हमारा दोस्तों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारा जीरो वाला वायर जो था वो हमारा ब्रेक था। ठीक है, आपको पता चल गया होगा फॉल्ट का। तो अब मैं दोस्तों इसे वाले को भी यहाँ पर फॉल्ट को अभी मैं एक बार इसे लगा के दिखा देता हूँ वायर के कनेक्शन। तो वो कैसे होते हैं दोस्तों, वहाँ पर हमें डायोड पे लगाने होते हैं जो हमारा माइनस प्लस का रहता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हम जैसे इसे टच कर रहे हैं जो दोनों को जीरो वाले से, तो यहाँ पर दोस्तों सीरीज वाला बल्ब यहाँ पर जल रहा है, यानी कि हमारा दोस्तों जीरो वाला अब हमारा हो चुका है। ठीक, तो अब हमें सेट को ऑफ़ कर लेना है, और यहाँ पर दोस्तों सेट को ऑफ़ करने के बाद आपको अब चेक करना है। ठीक है, बोर्ड में लगाने के बाद तो बोर्ड में कनेक्शन करते हैं, अभी फाइनली आपको दिखाते हैं बोर्ड में कनेक्शन करके। तो यहाँ पर हमें पहले हल्का हल्का से ऐसा वायर को काट लेना है, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ, अभी से पहले हल्का सा पेस्ट में ले लेंगे। तो मैं बोर्ड में अभी आपको फाइनली कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों डायोड रहते हैं, यानी कि रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, रेक्टिफायर के बाद होते हैं हमारे प्लस माइनस में कैपेसिटर चेंज करने के लिए वोल्टेज को। तो अब मैं आपको दोस्तों इसकी जो वोल्टेज है यहाँ पर, यानी कि जो हमारे दोस्तों ट्रांसफार्मर से वायर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर लगा के आपको फाइनली दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, एक वायर हमारा लग चुका है, तो दूसरा वाला भी हम आपको एक बार लगा के दिखा देते हैं। तो वैसे तो दोस्तों हमारा जीरो वाला चल चुका है, अब हमें बस फाइनली इसे पर टेस्ट करना है कि हमारे दोस्तों ये लोड उठा पाता है या नहीं उठाता है, क्योंकि लोड के वजह से दोस्तों वो हमारा जीरो वाला जो वायर था वो ब्रेक हो चुका है ट्रांसफार्मर का। तो ऐसे दोस्तों हमें अब जैसे हमने आपको दिखाया, ऐसी कई सारे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत मैंने ये वाली प्रॉब्लम देखी है, क्योंकि जब भी हमारे पास आती है तो हमने दोस्तों यही करा है तो हमारा ट्रांसफार्मर ठीक हो जाता है और वो सही चलता है। ठीक है, तो वायर बदलने पर आपका दोस्तों ट्रांसफार्मर सही हो जाएगा, तो मैं ये गारंटी आपके लेता हूँ, जैसे कि हमने आपको दिखाया बिल्कुल ऐसे आप भी रिपेयर कर सकते हो। तो अब दोस्तों हमने इसके वोल्टेज वाले तो वायर लगा दें, अब जीरो वाला और लगाते हैं। ठीक है, तो फाइनली जीरो वाला और लगा के अभी आपको मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जीरो वाला भी हमने यहाँ पर लगा दिया। अब दोस्तों फाइनली है इसे टेस्ट करने की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसे लगा दिया, अब लगाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको एक बार इसे बिल्कुल चालू करके अभी दिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं, वैसे अभी मुझे भी यकीन नहीं है, अभी सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर चेक करता हूँ, क्योंकि हमारा जीरो वाला तो वैसे चल चुका है वायर, और थोड़ा हमें इस वजह से यकीन नहीं है क्योंकि क्या पता दोबारा से ख़राब हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि कई बार हमने ऐसा रिपेयर किया है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको एक बार दिखाता हूँ इसे चला के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट इसमें आ चुकी है, तो आगे की तरफ लेकर चलता हूँ पैनल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल लाइट अब सारी जल चुकी है, जब आपने देखी होगी तो एक ही जल रही थी, अब दोस्तों आप फाइनली देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी लाइटें जल चुकी है। तो जीरो वाला बल्ब जो था वायर वो हमारे दोस्तों ख़राब था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।